मॉर्निंग। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और अभी 6 बज चुके हैं, मतलब एकदम मेरी वैन के आने का टाइम हो गया है। मुझे जाके मैथ्स बुक रखनी है और मम्मा यहाँ पे मैगी बना रही है। बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, नहीं काफ़ी जंक फूड बता दो। और हाँ, बहुत टाइम के बाद, मतलब नया एरा शुरू होने के बाद पहली बार है ये। मम्मी अभी स्मूदी वगैरह बनाने का सोची थी, देखते हैं क्या बनता है कि नहीं। मम्मी टिफिन तैयार कर चुकी हैं। मम्मा स्पून अलग से रखना वरना वो सब गंदा हो जाता है। लेकिन लॉक वाला ही टिफिन है, लेकिन नहीं, लास्ट टाइम इसे लीक हो गया था, मेरा वाइट बैग गंदा हो गया था। बैग से कोई रिस्क नहीं। ये देखो, तुम्हारे लिए स्मूदी बना देती हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। यहाँ पे देखिए, ये बनाना की स्मूदी मैंने बनाई है, तो पहले झट से ले जाके अरम्या को दे देती हूँ। सुबह सुबह आज इसका यही सब खाने पीने का मन था। क्या हुआ अरू? क्या हुआ? बहुत टेस्टी है। सुबह सुबह चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो की शुरुआत किसने की है? द ग्रेट, द स्मार्ट। अच्छा, पता है आपको इतने सारा ब्लेसिंग मिलता है, कमेंट में क्या कहना चाहोगी सबको? जो लोग ब्लेसिंग देते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और कुछ लोग बोल देते हैं गलत गलत, उनको भी थैंक यू। मम्मी। हाँ जी, तो आज एकदम मॉर्निंग में ये ब्लॉग स्टार्ट किया है और आंखें देखिए, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आँखों में। तो सुबह सुबह ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या करूँ, सब कुछ हो गया है। और मैं के लिए स्मूदी, मैगी और थोड़ा सा जो है वो ब्रेड बटर भी रख दिया है लंच में, और ये ले जाके दे देते हैं उसको। ब्रेड बटर नहीं, ब्रेड और वो पीनट बटर, ताकि कुछ 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 खाती रहेगी। और अरुज जो है वो स्कूल जा रही है। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी अरम्या के लिए मैगी, क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद मैं अरम्या को मैगी दे रही थी, और लेकिन अरम्या के पापा को जो है वो मैगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैंने साथ साथ में ही सोचा कि चलो नाश्ता भी, दोपहर का जो खाना है वो भी धीरे धीरे तैयार कर लूँगी। और मैंने बनाई आलू और परवल की बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी, जो कि, और यहाँ पे देखिए मैंने परवल जो है वो अच्छे तरीके से भून ली। परवल की सब्जी जो बनाई थी वो बहुत टेस्टी बनी है, एकदम सिंपल सिंपल रेसिपी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई, मसाला वसाला डाल के। और ये है आज का फिलहाल, अभी ये अभी चावल लेंगे, लेना होगा तो, और अभी दूध रोटी भी मैं ले जाके दे दूँगी। और अरम्या को वैसे मैंने खाना जो है वो दे दिया है, खाना जी। और अब है अरम्या के पापा को ये दूध रोटी देना है, गर्म है, इससे पकड़ के ले जाना पड़ेगा। और अब मैं स्कूल जाते हुए 6 बजते बजते, देखिए बेचारी चली गई, गाड़ी का आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग, वैन का हॉर्न, वैन आके खड़ा हो जाएगा। आ गया, देखिए येलो कलर का मच्छर देख लीजिए, आहा। तो और मैं चली गई, और मैं जो हूँ वो बना रही हूँ चाय। दूध इतना ज़्यादा उबल चुका है कि उसमें घी दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा शाम को दूध जो है वो गाढ़ा हो गया था। चीनी, ये बन गई हमारी जो है वो गर्मा गर्म चाय। और अरम्या के पापा, उन कितने हम भारतीय हैं, उनमें से एक लकी इंसान हैं जिनको हर रोज़ आज 14 सालों से बैटी मिलती है। कभी कभी हुआ है ऐसा कि मैं नहीं बनाई हूँ तो खुद बना के पिए हैं। ए जी, अगर उनको बैटी नहीं मिले तो इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, ना ये उठ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो लकी हैं ये कह सकते हैं। उठी लकी मैन, ए उठी, आपका चाय आपका इंतजार कर रहा था। देखिए
फिर उसके अगले दिन मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी में सिर्फ चीला बनाया जिसमें शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें कद्दूकस कर दी और अच्छे तरीके से बेसन में सारे मसाले डाले और बेसन को अच्छे तरीके से ठीक मैंने यहाँ पे घोल लिया मसालों के साथ साथ में। और फिर उसके बाद उसमें सब्जियाँ डालिए, अभी साथ में ही डालेंगे तो वो सब्जियाँ पानी रिलीज करेंगे और घोल पतला हो जाएगा और चीला जो है वो एकदम सिंपल सा एकदम टेस्टी सा बन के तैयार हो गया। तो रम्या को लंच में भी दे दिया, रम्या के पापा को भी रख दिया, मैं भी खाई और निकल पड़ी हॉस्पिटल। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वैसे मैं कहाँ जा रही हूँ आपको थोड़े टाइम में बताऊँगी, बताना क्या है आपको लोकेशन देख के समझ में आ जाएगा कि मैं जा रही हूँ बनारस। कल की वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि मेरे को डॉक्टर ने रेफ़र किया है बनारस में जाके दिखाने के लिए, मैं बस उसी के लिए जा रही हूँ। बहुत जल्दी का टाइम था इसलिए जल्दी जल्दी मैंने सारी चीज़ें तैयार की और रम्या के पापा नहीं आ पाए क्योंकि हमारे घर में काम चल रहा है तो वहाँ पर भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं वैसे मैं आज ही दिखाऊँगी और आज ही मैं वापस आ जाऊँगी, तो मैं जा रही हूँ और जो कुछ भी अपडेट होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। मेक श्योर कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और जितने भी बनारसी हैं हर हर महादेव। और चलिए देखिए आज हम क्या क्या करते हैं। तो है वो मैं आ चुकी हूँ अब अपने घर और कल आ गई थी मैं, कल ही आ गई थी। बता रही हूँ क्या हुआ था, उन्होंने चार जांचें लिखी है मेरे को जो कि बीएचयू करवा लो या बाहर करवा लो। तो शाम के 5 बज गए थे तो जो वहाँ से बिल कटता है वो कटना बंद हो गया था तो उन्होंने बोला कि अब यहाँ नहीं होगा, अब लैब में होगा, आप लैब लेके चले जाइएगा। तो फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरे को, एक ईसीजी है, पता नहीं नाम मुझे नहीं पता है, चार मतलब जाँचें लिखी गई हैं, एक अल्ट्रासाउंड भी कराने के लिए बोला है और हड्डियों की 2 जाँचें लिखी है। हड्डियों में जकड़न इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आँखों में जकड़न, देखिए आँखों में देखिए दिक्कत हो गई है। अभी तो ये बहुत कम हो गया है, दिन में इतनी ज़्यादा लाल थी और लाल के साथ साथ स्वेलिंग आ रही है और स्वेलिंग के साथ साथ में जैसे पता उन्होंने बीमारी का नाम भी लिखा है और मुझे क्या हाँ भेजा है वो मैं आपको एक बार पर्ची का वीडियो शेयर कर दूंगी, पर्ची पे जो कुछ भी लिखा है। मैं कप एक सिप चाय पी लूँ, अगर वो पर्ची इधर होगी तो आई थिंक ये है, ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और बीएचयू में क्या क्या लिखा गया है वो भी इसी में है, आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देती हूँ। पहले तो उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे को लिखी, ये जो है ये दवाई वगैरह लिखी थी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चार जांचें लिखी है, ये जो मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है वो उन लोगों ने पढ़ के बोला कि हाँ ये हो जाएंगी। और ये RHE पता नहीं क्या है, एक होता है ऑर्थो और एक होता है ये, यहाँ पे मेरे को रेफ़र किया गया रेफ़र टू यहाँ पे, तो यहाँ मुझे दिखाना है। तो उससे पहले मुझे ये 1, 2, 3, 4 ये जांचें करा के लेके जानी है, तो ये मेरे उसके बाद ही वो लोग जो है वो रिपोर्ट। और ये जो है ये मैंने जो है वो निकलवा ली है, क्या बोलते हैं ये जो पर्ची होती है वो मैंने कटवा ली है। तो ये दिक्कतें हुई है, ये कम एज में होने वाली हड्डियों की बीमारी है उन्होंने बोला। जैसे सुबह उठती हूँ तो जो हाथ में जकड़न होती है, तो अगर आप भी महिलाएं या पुरुष मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस तरह की लापरवाही आप सब कर रही हैं कि डॉक्टर को नहीं दिखा रही हैं या आप अपने फैमिली के पास जाते हो कहते हो कि मेरे हड्डियों में दिक्कत है, मुझे आज आलस आ रहा है, मुझे उठा नहीं जा रहा था, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरे कमर में पेन है, तो उसको फैमिली वाले तुम्हारा तो रोज का नाटक है, इस तरह की चीज़ें होती है, अच्छा तुम्हारी आदत है, तो अवॉइड करिए, मत करिए इन सब चीज़ों को, इन बातों को अवॉइड करिए जो आपकी फैमिली बोलती है। खुद जाइए हॉस्पिटल और जाके इलाज करवाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर नहीं है तो आपका साथ दुनिया में कोई भी नहीं देगा। ये बात आप मेरी लिख के रख लीजिए, आपके जो सो कॉल अपने हैं उनको भी एक दिन आप खाना बना के मत खिलाइए, तो आपकी सच्चाई जो है वो सब सामने आ जाएगी कि हम को दुनिया में कोई कौन कितना प्यार करता है। बस एक दिन आप कोई घर का काम मत करिए, फिर समझ में आ जाएगा सबका। तो हड्डियों में अगर दिक्कत हो जाए, आपकी
लाइफ में कोई दिक्कत आ जाए, आपके पैरों में कोई दिक्कत आ जाए, आपके शरीर में किसी भी प्रकार के, तब खुद जाके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। और सरकारी हॉस्पिटल में ही मैं जाती हूँ, प्राइवेट में बोला था उन्होंने सूर्या हॉस्पिटल, बट बहुत कॉस्टली है। और देखिए मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, जो बात सच है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो इलाज मुझे BHU में कम पैसों में अगर हो सकता है तो मैं वहीं जाती हूँ। हालांकि BHU से कुछ अच्छी यादें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं वहीं जाना, थोड़ा सा कम पैसों में, लेकिन हाँ इलाज अच्छा होता है। बस थोड़ा सा समझने की बात होती है, अगर आपका थोड़ा सा सोर्स है तो BHU में इलाज और ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, लेकिन सोर्स नहीं तो थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ता है, और मुझे कोई ना कोई पहचान जाता है तो मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। थैंक यू सो मच। अरे मैम आप यहाँ कैसे, जैसे कोई भी, तो कोई भी मेरी हेल्प कर देता है, और नहीं भी करता है तो मैं पूरे दिन कल परसों में बैठी थी, तो मैंने सब कुछ खुद ही अकेले देख लिया। थैंक यू भगवान मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में अगर मुझे रोग बीमारी प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो मैं उसको खुद से जाके सही करवा पा रही हूँ। और बस थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने ज़िंदगी में बहुत सारा अपने शरीर और अपने मेंटल हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब नहीं, अब मैं अपने बारे में सोचूंगी, अब मैं अपने बारे में पक्का सोचूंगी, अब ऐसा नहीं है कि मैं लापरवाही नहीं करूंगी। अब मेरे पास जो भी जितने भी मेरे दिक्कत है ना, बस नवरात्रि बीत जाए, मैं पूरा MRI करवाने वाली हूँ, मैं सब कुछ, ऐसा नहीं है मैं अब इस तरीके से लाइफ में रोज रोज रो रो के, रोज रोज परेशान हो के नहीं जी सकती हूँ। तो मिलते हैं आप सबसे कल, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और रिपोर्ट देख लेंगे होंगे, और मुझे BHU क्यों जाना पड़ा ये भी आप सबको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मुझे ऐसे नहीं, मैं नहीं कर पाती हूँ कि मैं पूरा दिन वहाँ जाके हॉस्पिटल में ब्लॉग, देखिए मेरा काम है, अगर गोलू प्रियंका रहती है तो वो शूट करके अपलोड करे, बट मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि मैं पहले वो सही कर लूँ फिर बाद में ब्लॉग बना लूँगी, और या तो मेरे साथ कोई शूट करने वाला हो तो चलो वो चीज़ हो जाती है बहुत आराम से। तो ये चीज़ है, मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए।